अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई नो आप सभी के माइंड में हलचल मच चुकी होगी क्योंकि IFSCA ने ग्रेड ए ऑफिसर के एडमिट कार्ड्स आउट कर दिए हैं। सो जो हमारी एग्जाम डेट्स हैं वो फाइनल हो चुकी हैं, दैट इज 15th अप्रैल। अगर मैं आज के डेट को भी इंक्लूड करूं तो ऑलमोस्ट हमारे पास बचे हैं 10 days। अब इन 10 days में कैसे हमें स्मार्टली एक्ट करना है और रिवीजन करनी है वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, वो स्टूडेंट्स जिनको टॉपिक्स के बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता, तो इस 10-day स्ट्रेटेजी में मैं कुछ ऐसा रामबाण नहीं बताने वाला कि जिसको आप यूज करोगे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये 10-day स्ट्रेटेजीज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टॉपिक्स की नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब वो स्टूडेंट्स को भी स्मार्टली एक्ट करना होगा, तो उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब ये ना हो कि आज आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, देखा 15 अप्रैल को है, तो एकदम से पागल हो जाओ कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी कर रहे हैं, मतलब विदाउट प्लान वर्क कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम, एक हम 10 days का प्लान क्रिएट करें अपने लिए ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, जिसे मैं बोल रहा हूं स्मार्टली एक्ट करें, ठीक। टाइम हमारे पास लिमिटेड है और जो फेज वन में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, तो स्मार्टली कैसे रिवीजन करनी है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली हमारे पास है टोटल 10 days। अब इन 10 days को मैंने डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज में, दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज मॉक्स एंड द सेकेंड वन इज रिविजन। सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, रिविजन का ही टाइम है। मॉक्स हमें लगाने हैं टोटल 5 mocks। तो बेसिकली 10 days को हमने डिवाइड कर लिया, 5 days हम मॉक्स को देंगे, 5 days हम देंगे रिविजन को, ठीक। मतलब बेसिकली हम 5 mocks प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये भी नहीं कि एक साथ 5 mocks करने हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स को लगा सकते हैं, ठीक। अब मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं आपको वर्क कैसे करना है। बेसिकली मान लो आपका आज मॉक लगाने वाला दिन है, फर्स्ट डे है, आपने क्या करना है, सुबह उठे आप, आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया, फिर उसके बाद पहला अपना मॉक अटेम्प्ट कर लिया, राइट। ऑलमोस्ट 2 hours लग जाएंगे आपको उसमें, प्लस ओपन करोगे क्लोज करोगे तो हाफ एन आवर उसमें चला जाएगा। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर आप अराउंड 1 hour उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। देखो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से भी बच्चों कुछ नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता क्या है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस। क्योंकि इस एनालिसिस से जो आप 1 hour में करोगे, आप फिगर आउट करोगे कि कौन से टॉपिक्स आपके 100% अब हो चुके हैं और कौन से टॉपिक्स में आप अटक रहे हो अभी भी, या किन टॉपिक्स को आपको अभी और अच्छे से पढ़ने की, रिवीजन करने की, लर्न करने की जरूरत है, वो आप फिगर आउट करोगे इन मॉक टेस्ट के एनालिसिस से, ठीक है। तो ऑन एंड अराउंड आपने 1-2 hours लगाए और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, आपने वो टॉपिक्स लिख लिए, वो पॉइंट्स लिख लिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, या जिनको आंसर्स करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, या जो उनसे कॉमर्स या फाइनेंस के न्यूमेरिकल्स आ गए जिसमें आप अटके, उन पॉइंट्स को एक शीट पे लिख लिया। उस मॉक को एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर बैठना है, अब जो पॉइंट्स आपने फिगर आउट करे जो आपको नहीं आते उनको एक एक करके पढ़ना है, लर्न करना है या प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वांट रीजनिंग के नहीं हो रहे तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको 5 days करना है अल्टरनेट डेज में, कि फर्स्ट डे कर लिया, फिर गैप दिया, फिर सेकंड डे कर लिया, फिर गैप दिया, फिर थर्ड डे कर लिया, ये आपको करना है
फाइव डेज। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लूं, देखो लॉजिकल बात करूंगा, रीजन बीइंग मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी एक टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस यहां पे आपकी रिवीजन हो रही है हर एक टॉपिक की, अलग अलग आपको नहीं जाना पड़ा, एक मॉक टेस्ट लगाया आपको पता चल गया क्या आता है क्या नहीं आता, आपने उसके एनालिसिस किया, जो भी आपकी लिमिटेशंस थी जो भी आपके वीकनेसेस थी आपने फिर उस पूरे दिन में बैठ के उस वीकनेसेस को रिमूव किया, ठीक। फाइव डेज आपको ये करना है, फिर जो अल्टरनेट बच गए फाइव डेज या फोर डेज बचेंगे जो भी बचेंगे आपके पास, अगर आप फर्स्ट डे रिविजन का आज ले लेते हो ठीक, तो उन फाइव डेज क्या करनी है आपको, थोड़ा रिविजन करनी है। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या है, मैं ये टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर रहा हूं जो रिवीजन करनी है कि अगर आप टारगेट कर रहे हो, पहली चीज मैंने पेपर वन को इंक्लूड नहीं करा है, फेज वन के पेपर वन को इंक्लूड नहीं किया, रीजन बीइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे चुके हो, अगर बाय चांस एक दो भी चल चुके हो या किसकी भी प्रिपरेशन कर चुके हो तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए वगैरह आपको आता है, और हम सबको पता है कि ये एग्जाम क्वालिफाइंग है, तो हम उसको बस ये चेक करेंगे जब मॉक्स दे रहे होंगे तो हम इजिली क्वालिफाई कर रहे हैं ना उस पार्ट को, हमें उस पर टारगेट करना है बेसिकली। हाँ अगर हम क्वांट रीजनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उधर पेपर वन को मॉक्स में, तो उसी दिन हमें एफर्ट्स लगाने हैं और उन चीजों को प्रैक्टिस करनी है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। अब रिवीजन डेज में फर्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फाइनेंस उठा लेंगे, फाइनेंस को पूरा दिन रिवाइज करेंगे, जो बच्चे मेरे पहले स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो देख चुके हैं तो उनको पता होगा कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो फाइनेंस डायरेक्टली आप सिलेबस में जाओगे तो पूरा फाइनेंस लिखा है, उसमें मैंने बताया था कि आरबीआई और सेबी के अंदर जो सिलेबस है आप उसको कवर कर लो पहले, तो यहां पे भी आरबीआई और सेबी वाला सिलेबस पहले रिवाइज कर लो, या जो आप पढ़ चुके हो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है तो आपने कुछ नोट बनाए होंगे या आरबीआई के जो नोट बनाए होंगे उसके थ्रू आप रिविजन कर लो, तो वन डे आपका पूरा वहां चला जाएगा फाइनेंस के लिए। फाइनेंस क्यों लिया, पहले फाइनेंस से होगा कि आपके फेस टू वगैरह की तैयारी साथ साथ थोड़ी बहुत चलती रहेगी। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मेरे को लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, इसके अंदर उन्होंने स्पेशल चैप्टर्स भी स्पेसिफाई करे हैं, इजी रहने वाला है आपका, क्योंकि जो चैप्टर्स इनके अंदर मेंशन है सिलेबस के अंदर पॉवर्टी वगैरह वो आप रिवाइज करोगे, फिर इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी फाइव ईयर प्लान्स, फाइव ईयर प्लान्स भी आप अच्छे से कवर कर दो क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी बात करें तो बहुत वास्ट टॉपिक हो गया, बट फाइव ईयर प्लान्स एक छोटा टॉपिक हो गया, उसको आप इजीली कवर कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एक दिन आपको यहां रिविजन कर लेनी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की रिवीजन। अच्छा यहां पे मैनेजमेंट में क्या है, अगर हम आरबीआई सेबी का सिलेबस फोकस कर रहे हैं तो थोड़े जल्दी रिवीजन हो जाएगी, ठीक। फिर जो बचा हुआ काम है, अगर आपकी कुछ भी काम इनकम्प्लीट रह रहा है तो आप इस दिन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। फोर्थ डे आपको क्या करना है, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड काम क्वेश्चन हो गए, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, स्कीम्स हो गए फाइनेंस वाली, जनरल नॉलेज हो गया, करंट इवेंट्स करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, वो आप इधर रिवाइज कर लोगे। यहाँ का आप यहाँ पे आपके पास एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो हमारा फेज वन का पेपर वन है उसका जो जनरल रीजनिंग है वो वाला कवर हो जाएगा, प्लस जो पेपर टू है उसमें भी जो आ रहा है वो भी कवर हो जाएगा। लास्ट डे हमने दे दिया है कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता होगा, मैंने लास्ट डे दिया क्योंकि अगले दिन एग्जाम होगा तो थोड़ा माइंड में भी रहेगा, ठीक, क्योंकि आरबीआई के कई सारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा, और प्लस हमें पूरा दिन इसमें वेस्ट नहीं करना है, पूरा दिन इसमें यूटिलाइज नहीं करना है, हाफ डे ट्राई करो, हाफ डे में आपने इसको रिवाइज कर लिया, लास्ट हाफ डे में आपने अपनी ओवरऑल रिविजन कर ली, ठीक, समझ आ गया। अच्छा ये बेसिक सी स्ट्रेटेजी है, अगर आपके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि भाई इसको पत्थर की लकीर मान के काम करना है, आपको क्या करना है, आपको वो जब मॉक्स लगा रहे होगी वो टॉपिक्स वो कंटेंट आपके सामने आ रहा होगा जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम वाले टॉपिक को पकड़ना है, पहले वो खत्म करना है, उस टॉपिक पे ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक, ये बात समझ आ गई। तो आपको ऐसे अपने 10 डेज को यूटिलाइज करना है, 5 डेज मॉक टेस्ट लगाने हैं और 5 डेज आपको रिविजन करनी है। मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये ना हो आप सोच रहे हो कि 10 दिन है डेली सुबह बैठूंगा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, सुबह बैठूंगा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, वो भी थोड़ी बेवकूफी लगेगी मेरे को, क्यों,
मॉक टेस्ट लगा लिया या आप डेली ये कर रहे हो, उसमें क्या होगा, बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है या कोई टॉपिक रह रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रह रही है, वो आपकी रिवीजन के टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, समझ आ गया। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। समझ आ गया। इन 10 डेज बिल्कुल भी रेस्ट लेने की बात तो सोचनी नहीं, ये ना घूमने जा रहे हैं हम, वो कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं करने है। अगर एग्जाम क्रैक करना है, और घबराना भी बिल्कुल नहीं है। कई आई नो नोटिफिकेशन आई तो कई बच्चे घबरा रहे होंगे, भाई 10 दिन है, 10 दिन है, क्या होगा क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर है, आराम से निकलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब एक चीज और, आई नो आप में से कई सारे बच्चे वर्किंग होंगे, तो अब दो चार चीजें हम कर सकते हैं कि कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हैं, कि लास्ट 4-5 डेज ले लिए। एक एडवांटेज आ रहा है कि अगर आप कहीं एमएनसी वगैरह में नहीं हो तो 3 दिन की छुट्टी तो हमारे पास वैसे ही आ रही है, गुड फ्राइडे की, फिर सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है, तो 1-2 दिन का जो भी आपके सिक लीव्स वगैरह या कंपनसेटरी ऑफ्स वगैरह पड़े हैं तो उसका यूटिलाइज करो, यही अच्छा टाइम है। अगर पेमेंट्स कट भी रही है तो ऐसा घबराना मत, अगर आप सीरियसली पेपर देना चाह रहे हो तो थोड़ा टाइम ले लो, अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक्स अकॉर्डिंग आपको पता ही चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। समझ आ गया। अगर अब भी कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, और अगर आपने कोर्स इनमें एनरोल किया हुआ है तो डिस्कशन फॉरम भी है, डिस्कशन फॉरम में भी आप क्या क्या डाउट पूछ सकते हो। ठीक, समझ आ गया। ये अब 10 डेज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ने इनरोल किया हुआ है वो पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट कहाँ पे है, तो मॉक टेस्ट बच्चे आपको कोर्स के अंदर ही एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपके सारे मॉक टेस्ट हों जो अभी अपलोड हो चुके हैं, बाकी भी आपको आने वाले टाइम पे मिल जाएंगे, तो आप उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, समय आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर रिमाइंड करा दूं, टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे से यूटिलाइज करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बहुत अच्छा पैकेज है, वो भी हमें पता है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।